बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए हमें एक दो बार उसके पास में बैठकर करना पड़ती है। कभी कभी करना पड़ती हो, अच्छा कोई कोई कहे इस करकटी की कथा को जब सुना ना लोगों ने, तो कई लोग कहते महाराज ये राक्षसी थी, इतनी सेवा भगवान की कैसे करती थी। जरा सोचने वाली बात तो है ना कि इतनी सेवा क्यों करती, कैसे करती थी। तो यहां शिव पुराण की कथा में आप जब प्रवेश करें, तो लिंग पुराण की कथा में जब आप प्रवेश करें, तो दोनों पुराणों का स्मरण करेंगे तो पाएंगे कि करकटी की मां शिव की परम उपासक थी माना। ये जो गर्भ में जो ज्ञान आता है ना बच्चों को, ये गर्भवती नारी जो स्मरण करती है, साधना करती है, उससे प्राप्त हो। प्रहलाद की कथा देख लीजिए, गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान। अब आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, टीवी के सामने बैठे रहो, दिन भर नाटक देखते रहो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई 24 घंटा नाटक करे, गोदी में रे तो चुप रे, नीचे सुला दो तो पे पे करे, ऐसी औलाद पैदा। जैसे नाटक बहु बच्चों को जन्म देने के समय पर करती है, वैसे ही नाटक उसकी औलाद उस बहू के सामने करती है। तुमने मेरे को कुछ भा नहीं दिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी रहेगी, बाजार से मंगा कर खाएगी, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, घर का भाई नहीं, औलाद का मीन मीन खिला दो, समझ गए औलाद। अब पंडित जी से पूछ रही, गुरुजी ये कुछ खाता ही नहीं, चिड़चिड़ा हो गया। तो गुरुजी इतना पूछ ले, जब ये पैदा हुआ था तू कैसी थी, तेरा बता। 9 महीना जब ये गर्भ में रहा तो तू चिड़चिड़ तो नहीं करी, भोजन भाया कि नहीं भाया, घर का तो खाती नहीं थी, पति से कहती थी मेरे को कुछ अच्छा खाने का मन कर, वो भी बेचारा जेब में भर के लिया था चुपचाप से, खिला दे बस। जैसे बच्चे को जन्म देते समय माता के लक्षण रहेंगे, औलाद में वही तो आएंगे। जी जी तुम ही बोलो, अच्छा है, सही है कि गलत है। फिर वो अब तुम अंदाजा लगा अपने अपनी औलाद को देख के।